जैसे इस टाइम पे मेंस में जो पेपर आया था वो थोड़ा सा बेसिक लेवल का था, आसान आसान था, बट टीएनसी की मदद से, एडवांस सीरीज की मदद से मुझे लगता था कि अगर इतना भी टफ आएगा सिनेरियो और लेंथी क्वेश्चन आएंगे हम वो कर पाएंगे सर, इतना कॉन्फिडेंस आ गया। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माइस्टर बोझा फलाया असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना एक बार फिर से सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और उनके संघर्ष की कहानी आप सभी के सामने लेके आने वाले, किस प्रकार से मेहनत की जाती है और किस प्रकार की स्ट्रेटजी आपको फ्यूचर में आगे तक लेके जाती है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आदिल भाई को। शुक्रिया सर, बहुत ज्यादा शुक्रिया आपके और टीएनसी सारी टीएनसी टीम के। कैसा लग रहा है, एक बहुत ही अच्छा आंकड़ा आपने हासिल किया है और ये सारे बच्चों का सपना रहता है कि इतनी अच्छी रैंक आए और सिलेक्शन होता है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, ये तो आप लोगों की मेहनत की वजह से, माँ बाप की दुआओं की वजह से है। और जो मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे दादा जो दादी है उनकी दुआएं है और मेरे बड़े भाई की मेहनत है, उन्होंने हर टाइम पे मुझे साथ दिया। बिल्कुल, पूरे परिवार ने आपको साथ दिया और मैं आज इस टीएनसी नर्सिंग के प्लेटफॉर्म से आपके पूरे के पूरे परिवार को, आपके दादा दादी, आपके पापा मम्मी, आपके भाई साहब और आपके चाहने वालों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपके आदिल भाई ने बहुत ही बड़ा कमाल करके दिखाया है। जी सर, शुक्रिया, मैं उन तक ये पैगाम पहुंचाऊंगा। बिल्कुल, अब मैं आपसे आज बहुत सारी चीजें पूछूंगा और आपको जितने भी स्टूडेंट्स के मन में क्वेरीज चलती है टॉपर्स को लेकर, वो सारी जितने भी समस्या है उनके समाधान मैं आपकी तरफ से ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले इस इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं, उससे पहले मैं आपसे आपके इंट्रोडक्शन के बारे में जानना चाहता हूँ कि कहाँ से आपने पढ़ाई की और कहाँ से आप आते हैं। जी, मेरा नाम आदिल अमीन है, मैं जम्मू एंड कश्मीर का रहने वाला हूँ। जम्मू एंड कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट बारामूला में मैं रहता हूँ और मेरी स्कूलिंग यहीं पे हुई है, बारामूला के एक टाउन में जिसको हम कुंजर के नाम से जानते हैं, वहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई थी। फिर 10th 12th के बाद श्रीनगर जाना हुआ, वहाँ पे कोचिंग करी हमने नीट के लिए वगैरह, और उसके बाद मेरा बीएससी नर्सिंग के लिए सिलेक्शन हो गया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग श्रीनगर में। वहाँ से हमने जो बीएससी नर्सिंग है वो कम्प्लीट की ओके, और हम हुआ था वो 2023 में। गुड गुड, ओके। श्रीनगर के कॉलेज से आपकी स्टडी कंटिन्यूअसली रही है और वहां से आपने यूजी किए, कब कौन से साल में आपने कंप्लीट कर लिया था नर्सिंग? कंप्लीट हमारा नर्सिंग हुआ था 2023 में सर, वो अप्रैल होना 2023 में आपका कंप्लीट हुआ है और इस समय अप्रैल 2024 नॉर्सेट 6.0 के आप टॉपर्स बन चुके हैं। लगभग ज्यादा लंबा सफर नहीं कह सकते, एक साल का सफर आपकी जर्नी रही है, एक साल के सफर में आपने बहुत कुछ करके दिखाया है। क्या ऐसा स्ट्रेटजी रहा है कि इतने कम समय के अंदर इतना बड़ा एक मुकाम हासिल किया आपने? सबसे पहले तो जैसे ही रिजल्ट आया था ब्रेक लिया फ्रेंड्स ने, मेरा एक फ्रेंड है उसने बोला कि ऐसे नॉर्सेट एक एग्ज़ाम होता है तो हम वो ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेट लेवल पे जो रिक्रूटमेंट हो रहा था वो नहीं हो रहा था। तो हमने साथ में जो है इस पर फोकस किया नॉर्सेट पे, नॉर्सेट 5 में हमने अपियर किया था और साथ में हमने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। हम एक एक दूसरे के साथ साथ चल रहे थे और वहाँ से हमारा जो सब हो गया था, और जब हमारा प्री क्लियर हुआ तो उसके बाद हमने मेंस के लिए थोड़ा सा ट्राई किया। हमने इंप्लेक्स वगैरह उसके क्वेश्चन सॉल्व किए और मेंस में थोड़े से दो पॉइंट से हम रह गए थे, जो कट ऑफ रह गया था वो 50 रहा था, मेरे एग्जैक्ट नहीं थे। तो उसके बाद इमिडिएटली मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेरी प्रिपरेशन में अगर किसी चीज़ की कमी थी वो टेस्ट सीरीज थी। मैंने कोई टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं करी थी पहले इसमें अटेम्प्ट में, तो उसके बाद इसी में बोला कि मुझे रिकमेंडेशन आ रही है कि आप टीएनसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो हमने टीएनसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था और रेगुलरली हम वो टेस्ट सीरीज दे रहे थे।
पहले पहले थोड़ा सा जो रैंक था, जो क्वेश्चन सीख हो रहे थे वो कम हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अपनी वीक किया, जहाँ पे हमसे गलती हो रही थी उस चीज़ को हम नोट डाउन करते थे, ये जगह है हमारी वीक है, इस पे काम करना था। तो धीरे धीरे वो के रिजल्ट जो है वो अच्छे आने शुरू हो गए, और जब लास्ट पे हम क्लाइमेक्स पे गए थे, जब ऑलमोस्ट 6 मंथ होने वाले थे टीएमसी के, तो हमारा स्कोर था वो 90 से नीचे नहीं है। कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस मेंस को परफेक्ट बना देती है। और वही आपने तो सबसे बड़ी बात तो मुझे इस आपने जो बताया है उसमें मुझे बहुत ही जबरदस्त बात तो ये लगी कि स्ट्रेटजी में जो आपने हिस्सा बनाया, नॉरसेट 5.0 में आपका सिलेक्शन से नहीं हुआ, आपने और आपने दोस्त ने दोनों ने बैठ के अपनी कमियों को ढूंढा कि यार मैं फेल कहाँ पे हो रहा हूँ, मेरी क्या कमी रह गई थी, उस कमी को आपने सर्च किया, और वो कमी थी प्रैक्टिस की कमी, टाइम मैनेजमेंट की कमी और सारी चीजें, और उसको आपने उसके लिए अपना सफर जो तय किया था वो टीएनसी को अपना हम साथी बनाया था, और उसके साथ आप आगे बढ़े। तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि उससे पहले कहीं ऑफलाइन कोचिंग या कहीं आपको जैसे फोर्थ ईयर जैसे 1 साल का गैप है, तो कहीं ऑफलाइन कोचिंग कहीं ऑनलाइन कोचिंग ये सारी चीजें आपने की थी या सीधा टीएनसी के साथ चल दिए? पहले जो हमें सेलेक्ट हमें सेलेक्ट मिला था वो टीएमसी के थ्रू, हमने टेस्ट सीरीज अटेंड करी, इवन के एडवांस सीरीज जो हो रही थी टीएमसी पे उसको हमने अटेंड किया, तो बस यही हमारा था, बाकी हम सेल्फ स्टडी करते थे। बात जिक्र एडवांस सीरीज का आ गया तो मैं थोड़ा सा एडवांस सीरीज के बारे में आपको जिक्र करना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये कंटेंट जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है एडवांस सीरीज। यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है, बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, अगर मैं पूछूं कि कैसा लगा आपको एडवांस सीरीज? जहाँ तक मुझे लगता है कि टीएमसी की बात अगर हम करें तो ये हमें उस भी तैयार करती है जो सबसे टफ हो सकता है। जैसे इस टाइम पे मेंस में जो पेपर आया था वो थोड़ा सा बेसिक लेवल का था, आसान आसान था, बट टीएमसी की मदद से, एडवांस सीरीज की मदद से मुझे लगता था कि अगर इतना भी टफ आएगा, सिनेरियो या लेंथी क्वेश्चन आएंगे, हम वो कर पाएंगे सर, इतना कॉन्फिडेंस आ गया। ओके बिल्कुल, टीएनसी आपको इतना मजबूत बना देती है कि कहीं से भी पेपर ले आओ डरने की जरूरत नहीं है, टीएनसी रैंकर्स बनाए गए बनाएगा और 100% निकलेंगे निकले। और यही कॉन्फिडेंस हम लोग मेहनत जब करते हैं, लगातार रात भर जागते हैं, पेपर बनाते हैं, पेपर सेटल डाउन करते हैं, पेपर को बनाने का जो तरीका होता है वो हम जब क्रिएट करते हैं, तो ये चीजें हमारे सामने निकल के आती है कि हाँ भाई पेपर कहीं से भी आएगा टीएनसी का बच्चा टॉप करके ही आएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बहुत ही शानदार लग रहा है मुझे। अब मैं आपसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके एग्जाम का पूछना चाहता हूँ कि टीएनसी के आप एग्जाम देते थे, बहुत सारी गलतियां होती थी, कैसे सुधार करते थे उनको? जब भी कोई गलती हो जाती थी, पहले तो फुल पेपर हम करते थे, उसके बाद देखते थे 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, कभी कभार फेल होता था क्वेश्चन को, वो पढ़ने में गलती हो जाती थी, वहाँ पे एक्सेप्ट लिखा होता था, हमने गलत किया होता था, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीखा सर, ताकि जो हम जल्दी जल्दी में वो गलती करते थे ऑप्शंस को चूज करने में वो दूर होता है, और कोई नई चीज मिलती थी तो उसको नोट डाउन करते थे, या तो उसी टाइम पे कोशिश करते थे कि 5 मिनट में इसको यहाँ पे दूँ ताकि मुझे ये रिटेन हो जाए दिमाग में कि अगली बार गलती ना हो जाए, बस यही रहता ओके था कि बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहता हूँ, टीएनसी के अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर हमने उन क्वेश्चनों के जो सबसे हार्ड लगते हैं बच्चों से, सबसे ज्यादा गलत होने के चांसेस, उन सबको टेस्ट रेशनल तो हमने दे रखे हैं, सारे क्वेश्चनों के टेस्ट रेशनल है, लेकिन वीडियो रेशनल भी हमने डाल रखे हैं, एक एक क्वेश्चन का वीडियो रेशनल हमने डाला है, तो उन वीडियो रेशनल से कैसे लगते थे, क्या वो सही है या किस प्रकार से आपको लगते थे, क्या सोचते हैं उनके बारे में? मैं वीडियो रेशन बहुत पसंद करता था। हाँ, कभी कभार जो वीडियो रेशन था वो लेंथी होता था, बट मैं आदेश की बात करूँगा, उनके वीडियो रेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते थे, और वो देखता भी था मैं, हर कोई मैं मिस नहीं करता, उनके जब भी रेशन आते थे मैं मिस नहीं करता था, और उनके बोलने का तरीका, मैंने यूट्यूब से बहुत सारे टीचर्स को देखा है बीच बीच में, बट मुझे लगता है कि आवदेश सर जो है उनकी जितनी नॉलेज जो वास्ट है वो किसी के पास नहीं, और वो हमें ये भी बताते कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखो, ये अगर नहीं भी याद रखी कोई बात नहीं, ये नहीं आएगा वहाँ पे,
ऐसा वो सेग्रीगेट देते हैं कि हमें क्या याद रखना है और क्या जरूरी नहीं है, क्योंकि तो उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज थी ऐसा मुझे लगता था। और मुझे लगता है कि मैंने नर्सिंग फील्ड में उनसे ज्यादा नॉलेजफुल पर्सन को नहीं देखा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएशन किया हमारे ओबीसी ग्रुप, और बिल्कुल इसलिए बनता है कि उन्होंने बहुत जबरदस्त मेहनत की है और 5 बार ऑल इंडिया रैंकर्स रहे हैं, वो टॉपर्स रहे हैं, आप ही की तरह बहुत ही जबरदस्त उन्होंने अंडर 10 रैंक लेके आए। तो मेहनत उनकी बोलती है कि हाँ मेहनत किस प्रकार से, और टीएनसी पूरी जो पूरी की पूरी टीम है वो टॉपर्स की टीम रखी गई है, और उसमें हमेशा नए नए क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं और उनसे बच्चों को टॉपर्स बनाने का सिलसिला कंटिन्यूअसली चलता है। कौन कौन सी ऐसी बुक्स रही है आपकी इस जर्नी के दौरान जो आपको बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हुई है? सर मैंने PR से स्टार्ट किया था पढ़ना। पहले अटेम्प्ट में जब प्री मैंने दिया था उस टाइम पे मैंने खाली PR पढ़ा था। उसके बाद जब प्री क्लियर हो गया उसके बाद हमने NCLEX और जो MOSBI है उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया था मेन्स के लिए। बट उस बार हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमने एक तो TNC का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा और मैंने टारगेट हाई को कंप्लीट किया, और उसके साथ साथ NCLEX का सीरीज कंप्लीट। ये ओके, तीन एक बुक जो चीज, ये आपको तो 1 साल लगा है, मतलब आप जब पास आउट हुए हैं उसके बाद 1 साल के अंदर आप यहाँ तक पहुंच गए। बहुत सारे बच्चे 2 साल हो गए, 3 3 साल हो गए, लगातार 15 15 एग्जाम तक भी दे चुके हैं, फेलियर पे फेलियर देते हैं। उन बच्चों को आप क्या बताना चाहेंगे कि भाई हमने NCERT 5.0 में जो गलतियां की थी उस गलती और जो पिछले साल का आदिल है और इस साल का आदिल है, दोनों में डिफरेंस है, और वो आदिल को से मैं ये पूछूं कि यार तुम मुझे ये बता दो कि अगर तुम ये गलती नहीं, कौन सी ऐसी गलती नहीं करते तो तुम आज से 1 साल पहले ही सेलेक्ट हो जाते, तो मैं आदिल के मुंह से सुनना चाहता हूँ। मुझे लगता है 1 साल पहले ये गलती हो गई थी कि मैंने जो क्वेश्चंस मार्क किए थे थोड़े से एडिशनल तो मैंने उनको अनमार्क किया था, और वो क्वेश्चंस लेटर ऑन मुझे पता चला कि वो ठीक थे। अदरवाइज मुझे लगता है कि मेरा अटेम्प्ट था उसमें ही मेरा क्लियर एम्स भी मिल जाता। बट ये डेस्टिनी ने लिख के हुआ होता है कि उस टाइम पे शायद मुझे शिलोंग वगैरह कोई एम्स मिल जाता, लेकिन इस टाइम पे मेरा जो ये टारगेट है एम्स विजयपुर, इस टाइम पे मुझे वो मिलेगा। तो ये डेस्टिनी होता है, इससे हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे मेरा नहीं हुआ तो मैंने इमिजिएटली एक दिन लिस्ट निकला, दूसरे दिन से मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। ऐसा नहीं था कि मैं उसके साथ ही रह गया कि मेरा नहीं हुआ उसके टेंशन में रह गया, नहीं मैंने इमिजिएटली स्टार्ट किया। और अटेम्प्ट जो है चाहे हम 1 डे 2 डे 3 डे ये मैटर नहीं करता सर, जब आप फाइनली सक्सेसफुल हो जाते हैं तो जो पीछे चीजें रह जाती है हमारा जो हार्डवर्क है वो हमें फिर वर्थ इट लगता है सर। गुड गुड गुड, और ये बहुत ही शानदार बात बताइए कि सफलता होने के बाद ये मैटर नहीं करता कि क्या चीजें हैं, और लगातार आपके असफलता जो हो रही है उसको इसके कारण ढूंढना जरूरी है, क्योंकि बिना कारण ढूंढे आप सही राह पर नहीं चलते हैं। हमें जाना जम्मू की तरफ है, और अगर हम चेन्नई की तरफ मूव कर दें तो शायद हम जम्मू कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ये बिल्कुल भी सत्य है। इसलिए हमें जिस डेस्टिनी पे जाना है उसके लिए उस सही राह, सही गाइडेंस और सही जगह पर हमें मेहनत करनी चाहिए, तो हमेशा 101% बेनिफिट मिलता है। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन जो बच्चों का बहुत ही ज्यादा फेवरेटेबल क्वेश्चन है और ये कमेंट में भी आने वाला है, उससे पहले ही मैं पूछ लेता हूँ, प्रीलिम्स और मेंस दो पेपर आपने दिए हैं, कौन से पेपर में कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कौन से क्वेश्चन कितने राइट और कितने रॉन्ग हो गए? जो प्रीलिम्स वाला था उसमें थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि लगा एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 28 मेरे रॉन्ग हो गए थे प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में मुझसे ज़्यादा गलतियाँ हो गई थी, ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो गए थे, शायद 85 की कुछ, और उसमें से शायद 28 की कुछ गलत हो गए थे। तो मुझे लग रहा था पहले कि शायद 6 महीना मैंने पढ़ा वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है जो मैंने पढ़ा था, मतलब ऐसे मुझे लगा कि अनएक्सपेक्टेड था। बट बोल सकते हैं कि डेस्टिनी ने साथ दिया, किस्मत ने साथ दिया, प्रीलिम्स क्लियर हो गया। बट मेंस में मेरे जो नेगेटिव थे वो मैंने दिमाग में रख के रखा था कि कम से कम नेगेटिव होनी चाहिए, और मेरे शायद अंडर 15 नेगेटिव हुए थे। बहुत ही जबरदस्त। टोटल कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे मेंस के अंदर? मेंस के अंदर मैंने 87 अटेम्प्ट किए थे, और उसमें से जो एक क्वेश्चन है वो हमें शायद सबको ग्रेस मिला था सर।
उससे ओके 88। ये बच्चों को इस बार बहुत ही ज्यादा बच्चों का क्वेश्चन रहा कि मैंने किए तो 87 ही थे, मुझे 88 नंबर आ रहे हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं एम्स को लगता है कि ये क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक रह गया है, या ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना चाहिए था, ये हमसे गलती होगी, तो वो बोनस देके आपको उसके मार्क्स बढ़ा देता है। तो वो सभी बच्चों के लिए हुआ है, ऐसे नहीं है कि एक बच्चों के लिए हुआ, सारे बच्चों के लिए हुआ। अब मेरा आपसे लास्ट में एक सवाल है, क्या उम्मीद थी कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी? पास तो हो जाएंगे, अच्छा लग रहा था, लेकिन उम्मीद थी कि इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। पीएनसी के साथ जब चल रहे थे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। पहले पहले ऐसा था कि रिसेंटली मेंस में फेल हुए थे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो हो जाता था, लेकिन जैसे जैसे हम टेस्ट सीरीज में एडवांस हो रहे थे, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उसके बाद मुझे ये फील हो रहा था इस बार तो हो जाएगा। बट ऐसा भी नहीं था कि मतलब उतना श्योर थे, क्योंकि डेस्टिनी में कुछ भी हो सकता है, कभी फेलियर भी हो सकता है मेहनत करने के बाद भी। तो मेरा जो फ्रेंड है, हम आपस में डिस्कस करते थे इवन मेंस देने के बाद भी, फॉर एग्जांपल अगर नहीं हुआ, हमारा प्लान भी फिर से यही रहेगा कि हमें नॉर्थ में जो है क्विज निकालना है। तो हम बहुत रेडी ही थे कि अगर हम रेडी शानदार थे लगा। कि अगर हमारा नहीं हुआ तो हमारा प्लान भी जो है वो प्लान ए के लिए है कि हमें एम्स चाहिए। मैं यहाँ पे सैल्यूट करता हूँ इस प्लान बी का, जो आपने बहुत ही बड़ा जिक्र किया है। हमेशा जिंदगी में प्लान ए प्लस बी जरूर रखना चाहिए कि अगर हमारा प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ है तो हमें प्लान बी किस तरीके से चलना चाहिए। और मैं जितने भी कॉम्पिटिटर यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको स्पेशली बताना चाहता हूँ कि जिंदगी में ये मत सोचो कि मेरा सक्सेस सक्सेस हो जाएगा। जिस पेपर को देते हैं तो उसके बारे में जरूर सफलता के बारे में सोचें, लेकिन फेलियर के बारे में भी जरूर सोचें कि अगर मैं फेल हो गया तो मुझे वापस से क्या करना चाहिए। ये जरूर जरूर माइंड में रखेंगे तो जरूर बहुत जल्दी से सफलता मिलती है, क्योंकि वहां से एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि यार मुझे बस करना है, मुझे एम्स विजयपुर लेना है तो लेना है, और वो आपको मिलेगा, आपके घर के नजदीक में मिलेगा। लास्ट में मेरा आपसे एक सवाल, और ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है, सारे बच्चे आदिल से जानना चाहते हैं कि यार एक सजेशन दे दो, एक राय दे दो कि आने वाले जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो आपसे वेट कर रहे हैं कि यार हमें आपका एक गाइडेंस चाहिए। वैसे गाइडेंस के लिए हम लोग हमेशा मेहनत करते हैं, लेकिन आज टॉपर्स के मुंह से गाइडेंस चाहता हूँ कि क्या गाइडेंस देना चाहेंगे उन फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को। मुझे लगता है कि एक तो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि मोटिवेशन बाहर से आएगी, बाहर से हमें कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है, मोटिवेशन इंट्रिंसिक होती है, जो ये आग होती है वो अंदर से होती है। उसके बाद ये आग जो है ना, ये जरूरी नहीं कि ये 6 महीने तक रहे, 3 4 दिन में ये आग बुझ सकती है। उसके बाद जो काम करता है वो कॉन्सिस्टेंसी है, हमारा पेशन है, हमारा डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने सोचा कि मैं नॉर्सेट को क्रैक करूंगा, वो 4 दिन के बाद ये जो आग है ना ये बुझ जाती है साथ। उसके बाद डिसिप्लिन काम करता है, हमारी जो पेशन है वो काम करती है, कॉन्सिस्टेंसी काम करती है। क्योंकि मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा, थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था इस टाइम के दौरान, मुझे थोड़े से IBS के सिम्टम्स जो है वो आए थे, और जो मेडिकेशन मुझे प्रिस्क्राइब की गई थी वो सीडेटिव थी, मुझे नींद आ जाती थी बहुत ज़्यादा, तो वो मुझे टफ लगा था, थोड़ा इरिटेटिंग लगा था अपने शेड्यूल में ये करना, दिन भर नींद आती थी वगैरह। तो उसको मैंने मतलब एक हिसाब से साइड में रखा, मैंने कहा नींद को छोड़ो, अभी मुझे टारगेट पे फोकस करना था, अदरवाइज इतनी नींद आती थी। फिर मुझे वो लगा था कि ये मेरे लिए टफ होगा शायद, बट उसको भी मैंने क्रॉस किया और मैं अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करता था, कॉन्सिस्टेंटली करता था। और ये चीज़ भी मैं कहना चाहूँगा हर किसी स्टूडेंट को, 1 महीने में स्टूडेंट के को फेस करने पड़ते हैं कुछ ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, ये नॉर्मल चीज़ है, इसको हावी नहीं होने देना है खुद पे कि मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है, ये नॉर्मल चीज़ है। अब कोई ऐसा स्टूडेंट होता है मेरे हिसाब से वो नॉर्मल नहीं है कि जो 30 में से 30 दिन पढ़े, तो नॉर्मल बच्चा है उसको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे महीने में आएंगे जहाँ पे पढ़ाई नहीं, ये 2 4 दिन जो है स्टूडेंट को फेस करने पड़ सकते हैं 1 महीने में जहाँ पे अच्छे से पढ़ाई नहीं होगी। आपने टारगेट रखा होगा, फॉर एग्जांपल मुझे इतना थ्योरी आज कवर करना है, नहीं होगा, बट इससे ना उम्मीद नहीं होना है सर, ये आपको एक नॉर्मल रूटीन समझ लेना है कि ये हर किसी के साथ होता है, और मिक्सड फीलिंग्स भी बीच बीच में आएगी, होगा नहीं होगा, बट मेन फोकस इस पे होना चाहिए कि
होगा, क्योंकि पॉजिटिव चीज से पॉजिटिव एनर्जी आती है, फिर पॉजिटिव मोटिवेशन आता है। नेगेटिव चीज इंसान सोचता है उससे एंग्जाइटी हो जाती है, आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो मुझे ये लगता है इस पे ध्यान देना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त एक सजेशन, बिल्कुल हद के सजेशन दिया है, और मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ सजेशंस को। एक बहुत ही, मैं सजेशन इसलिए पूछता हूँ कि बच्चों के मन की बात बाहर निकले, और ये सजेशंस उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है। हर बच्चे से मैं सजेशन लेता हूँ, आपने जो एडवाइस दी है, सजेशंस दिया है, मैं सैल्यूट करता हूँ इस सजेशंस को। कंसिस्टेंसी के साथ लगातार आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बार इनर मोटिवेशन काम करता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ समय के लिए काम कर सकता है, लेकिन इनर मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक आग होनी चाहिए जुनून और जज्बे की, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने की। अगर ये आग जिंदगी के अंदर है तो 101% पार किया जा सकता है, सफलता ली जा सकती है। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर कुछ सारी सब कुछ चीजें पॉसिबल की जा सकती है। और तीसरी चीज कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो 30 के 30 दिन लगातार जो चीज खानी है वो पूरी कर ले। कहीं ना कहीं तो चीजें मिस होती रहती है, छूटती रहती है, तो डरना नहीं है। अगर ये छूट रही है, 30 में से अगर 25 दिन भी आप अगर कंटिन्यू फॉलो करते हैं तो आप सबसे आगे हैं। बहुत ही जबरदस्त सजेशन, मुझे बहुत ही प्यारा सजेशन लगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूरे के पूरे परिवार को, पूरे के पूरे जितने भी आपकी कम्युनिटी को, टीएनसी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे ही आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, आपके परिवार जनों का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, और साथ ही साथ आपके जितने भी गुरुजन जिन्होंने आपको जहां से अंगुली पकड़ के इस लेवल तक लेके आए, उन सारे के सारे गुरुजनों का नाम और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।